देखिए द जान रैम्बो शो अपने फेवरेट कॉमेडी यूट्यूब चैनल जान रैम्बो पे। मुझे माफ कर दो। बस बस कोई गल नहीं, कोई नहीं, एक मिनट चलो, उधर जे निकाह नहीं होया करन दे। चल जियो चवल हो गया ना, तो तू ही हट जा, तेनू नहीं पता चवल ने सारे। आई लाइक हिम, लाइक नहीं ठरको चोड़ रहे ने। रहीम अस्सलाम वालेकुम, जान रैम्बो का प्यार भरा सलाम, अदाब, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में अपनी पूरी टीम के साथ हाजिर हूँ। ख़वातीनों हज़रात, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन आपको नज़र आएगा, उसको आपने ऐसे करके दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला शो सबसे पहले आप देख सकें। तो इजाज़त है मैं अपनी टीम के साथ अपना शो शुरू करूं, तो आपकी भरपूर तारियों में शुरू करते हैं द जान रैम्बो शो। ख्वातीन हज़रात, बहुत सारे लोगों को अपनी ज़ात और अपना काम छुपाने की एक अजीब सी आदत होती है, हालांकि ये अच्छी आदत नहीं है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई ज़ात छोटी या बड़ी नहीं होती। हालांकि जब आप बैठते हैं, आप गुफ्तगू करते हैं अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बाहर जाते हैं, काम करते हैं, डील करते हैं, तो आपका काम और आपकी ज़ात कहीं ना कहीं से झलक के यूँ पुड़ुम करके सामने आ जाती है, क्योंकि आप अपने आप को, आप अपनी असलियत नहीं छुपा सकते, वो सामने आनी होती है। तो इसी बारे में एक शो है जो हंसते मुस्कुराते हुए हम इस पर बात करेंगे, अपनी ज़ात लोग क्यों छुपाते हैं। मेरे शो में आने वाले दो ऐसे भाई हैं जिनका बिजनेस है यानी कि भांड मरासी जिन्हें कहा जाता है, और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना काम किया और अपने काम पे फख्र करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को कॉलेज तक भिजवाया और अब बच्चा ये ज़िद करता है और अपने बाप को और अपने चाचा को ये बताता है कि आपने कभी किसी को नहीं बताना कि आप क्या काम करते हैं। तो मैंने आज दोनों भाइयों को बुलाया है, मैंने उसको भी बुलाया, उसके अंदर जो एहसास कमतरी है जो, उसको दूर करने के लिए आज इन दोनों को सामने बिठाऊँगा और बात करूँगा। हंसते खेलते हुए हम ये शो करेंगे और मज़े की बात यह है कि दोनों पार्टीज़ को नहीं पता, यानी कि बाप और चचा को नहीं पता कि मैंने बेटे को बुलाया हुआ है और बेटे को नहीं पता कि मैंने बाप और चचा को भी बुलाया हुआ है। तो आपकी भरपूर तालियों में शो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तशरीफ लाते हैं पा नजा और फजा। तेरे नू सजाया लाके फुल गलियां, तेरे सिरे नू सजाया लाके फुल गलियां। खैर होवे रैम्बो साहब दी जी, मेहरबानी, एडा वधिया शो कर रहे हैं। अरे रैम्बो दी खैर, अल्लाह तेरे पा क्या बात है रैम्बो जी, शो तो बहुत कमाल बना लिया। क्या बात है, सारी वेपर दी कमाई है। हां छोटे मु तेरा वेपर दी कमाई नहीं है, बीच सौरियां दी भी है। हेलो, क्या वैसे गल कीती है, ओ सौरियां तो बाद मरे होली मारो जो दरबार दा चूहा हुंदा फिड़े नु, ओ तू ही फिड़े मु देवा, बगैर पानी दा मगरमच्छ हुंदा फिड़े। बगैर पानी तो केड़ा सालिया बैंक दा मैनेजर हुंदा, ओ खुशक भी हुंदा एक, खुशक केड़ा खुशक मेवा हुंदा जेड़ा मरासी नु नसीब नहीं हुंदा। हां मरे तू, अल्लाह जी वे रैम्बो क्या बात है। अगे हो जाएगा का साडे को लोका दा खौफ है, साडा ही जी है। आज तो सानू अपने हुन मालिक ने कोठियां कारां देती है, सारी जिंदगी नच नच मरन वाला होया है। मैं कहां नाचाऊं, कहां कहां नाचाऊं। नहीं नचिया नहीं, नचिया नहीं, सिर्फ डांस कीता। हां डांस कीता, हाय हाय नचिया और हुंदा, मरे डांस और हुंदा। फिल्मों में डांस होता है और फिल्म च भी नाचा, नाच नाचना और होता है। फिल्मों में डांस होता है, जिंदा अल्लाह तेरी खैर करे, मौला जानदा तेरे वर्गा बच्चा मेरा हुंदा, मैं अपना मौत दा खूब बणांदा। मालिक ने वेपर दी कमाई नाल भाग लाए, मालिक दा करम है, खान साहब दी दुआवां नाल होया सारा कुछ जी जी।
ਜੀ ਰੈਂਬੋ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਟੁੰਡਾ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਫੋਟੋ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਆਹ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਕਾਜ ਬੰਬ ਲਗੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਭੰਡਾ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰੈਂਬੋ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣੀ ਹਾਏ 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 ਜੁਗਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਦ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੈਂਬੋ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣ ਕੋਈ 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ 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 20-22 ਦਿਨ ਸੇ ਨਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਦੀ ਹਮਾਮ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ 1.25 ਲੱਖ ਜੀ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਬਤਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜਰਾ ਖਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜਰਾ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਕੋ ਲੰਘੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਟਿੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਲਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ ਹੱਥ ਬਦਲ ਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਫਲਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲਜ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਫੇਰ ਸਾਲਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਓਏ ਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਲਾ ਧੀ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋ 1000 ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਆਪ ਬੜੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਬੜੇ ਉਹ ਹੈ ਮੋਟੇ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਕਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਜੂ ਖਾਨਾ ਲੋ ਮੈਂ ਕਹ ਰੈਂਬੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਚ ਜਾਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੈਨਲ YouTube ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਅਬ ਆਪ ਕੋ ਜੁਗਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜੰਜ ਚ ਗਏ ਆ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੁਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੰਗ ਪੈਂਟਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖ ਲੰਦ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬਰਾਤ ਚ ਨਹੀਂ ਚਿੱਕੜ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਏ 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 ਆਪ ਮੁਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਆ ਬੇਟੇ ਐਡੀਆਂ ਸਕਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਚ ਗਏ ਆ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਚਿਮਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਲਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਕਰ ਉਹ ਕਾਕਾ ਇਹ ਹੱਥ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁਰ ਫੜੂ ਮੁਤਰਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਏ ਆ ਰੈਂਬੋ ਦੇਖ ਉਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਲਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਨੋਟ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਚ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ੋ ਮੈਡਮ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 900 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਂਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਅੰਜ ਕਰ ਦੁਰ ਫਿਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕੰਚੇ 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 ਸਾਡੇ ਲਾਫਟਰ ਚ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੈਂਬੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਟਮਾਟਰ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆ ਚਾਚੀ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਵੇਚ ਕਾਂਟੇ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਟਰ ਬੁਣਦੇ ਆ ਸਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਤਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਆਪਣਾ ਤਲਫਜ਼ ਹੁਣ ਤਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਰੇ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲਾ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਾਵਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਅਮਾਨਾ ਮੰਨੇ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਾਵਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਭਾਈਓ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਤਾ
यार बहुत आला काम है आपने क्या बात है जी हंसाने खड़ाने देखो हालांकि मेरा अपना काम है हंसना हंसाना हां क्यों नहीं नचना नचाना आप मुझे पूरा करना हंसना हंसाना नचना नचाना सारे नु खाना मंगना मंगाना पूरी गल कर दी काका बात हो जाना हो जाना हो जाना पुत्ता तू हर वेले मेरा रिमांड लैने तुरिया हुन्ना ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਏ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਾਨਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਖਲਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੋ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਰ ਕੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਭੁੱਖਾ ਕਾਣਾ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਰੈਂਬੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪ ਲੋਕੋ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਾਇਆ ਏਸੀ ਚਲਾਓ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੇ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਭਲਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਮੰਗਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੈ ਹਾਲ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਏਸੀ ਚਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੇਕ ਲੈਣਾ ਏਸੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਬਿਨਾ ਚਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਦੇ ਆ ਪਰੌਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਆ ਕੰਧ ਹੀ ਟਾਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਅੱਛਾ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਏ ਠੰਡ ਸੇ ਕਿਉਂ ਡਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ ਠੰਡ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਜੇ ਰਗਮ ਰਾਸੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜੀ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕੋਚ ਦਾ ਛੋਰਾ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਆਹਾ ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੂੜਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਨਾ 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 ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰੀ ਰੱਖੀ ਸਾਲਣ ਐਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਚ ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਕੱਚੀ ਗਿਰੀ ਦੀ ਫਾੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਫਿਟੇ ਅੱਛਾ ਕੋਲੀ ਆਪਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਏ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫੁਲ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕੀ ਆ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਲਾ ਅੱਛਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਾਲਜ ਕਰਾਉਣਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਵਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਠੰਡ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀ ਵਾ ਕਰਾਚੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਕੀਨ ਕਰ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਂਬੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਲਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਠੰਡ ਆਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਖਰੇ ਵੇਖਿਆ ਟੂਟੀ ਚੋਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਟਾਕੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆ ਤੇਰਾ ਖੋਂਪੜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੋਂਪੜ ਮਾੜਾ ਖੂਜ ਬੋਕਾ ਸੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਭਾ ਨਜਾ ਔਰ ਫਜਾ ਜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਆਪ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪ 'ਚ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਕਰੀ ਜੇ ਦਾ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਥੜੀ ਲੰਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ
ਵਜਾ ਉਹ ਲੰਗੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਦਾ ਇੱਟ ਚੱਕਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੇੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੰਤਾ ਲੱਖ ਲੰਤਾ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਛੁਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਛੋਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਓਹੋ ਠੰਡ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਠੰਡ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਤਨੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਠੰਡ ਵੀ ਠੰਡ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਠੰਡ ਠੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਢੀਠ ਲੋਗ ਆ ਸਵੈਟਰ ਮੰਨਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਮ ਯੂੰ ਯੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰਤੇ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਠੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣ ਕੋਈ 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ 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 20-22 ਦਿਨ ਸੇ ਨਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 3-4 ਦੀ ਹਮਾਮ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਕਟੋਰੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਇੰਟਰਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਰਦੀਓ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਮੰਨਤੀ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਗੈਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਗੈਸ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ੇਨ ਪੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਈ ਰਜ਼ੂਈ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਅਸਲ ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਚ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਹਾਂ ਬੈਗ ਬੈਗ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾ ਕਾਲਜ ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੈਂਬੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਮੀਠ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਲਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਉਸ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੇਪ ਮਿਲ ਜੂ ਇੱਥੇ ਲਾਲਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੇਸ ਇਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਕੀਲ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਆਪਨੇ ਉਸਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਡ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸਕਾ ਗ੍ਰੇਡ ਬੜਾ ਦੇ ਕਾਕਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜੇ ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਖਲੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਕੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀ ਇਹ ਵੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਮ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਹਸਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹਮ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਮੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੇ ਪੀਛੇ ਗਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੂਤੇ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਛਾ ਦਰਜਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ 4 ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਚਾਏ ਵੀ ਆਏਗੀ
ਚਾਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਆਏਗੀ ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡੀ ਲੈ ਜਾਓ ਚਿੱਟਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰ ਉਸੇ ਕੋ ਚਾਹ ਭੇਜੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਚਿੱਟੀ ਚਾਹ ਪੀਏਗੇ ਦੂਧ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੀ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਸੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚ ਤਵੀਜ਼ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੀ ਬੈਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਮਾਰੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਰ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਿਕਾਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਊਂ ਅਬ ਆਪਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਲਗਾਉਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਆਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਕਰ ਲਓ ਵਾਅਦਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਚੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਫਰਾਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਵਾਇਆ ਦਾਲ ਦੇਖੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰ ਇਹ ਉਰਸ ਨਮਾ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਵੋ ਆਪਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਸ਼ੋ ਸੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਜ ਹਮਨੇ ਉਸਕੋ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਨਾ ਹੈ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਪਿਓ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਕੇਕਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੂੰ ਮੋਟਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੱਦੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਆਪਕੇ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਇਜਾਦ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਸੀਗੀ ਆ ਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਰੋਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੱਤੀ ਬੋਰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਬੁਲਾਉਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲਕਾ ਲਾ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਆਪਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਪਕੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਓ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਤੇ ਹੈ ਇਨਕੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਔਰ ਇਨਕੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਉ ਜਾਵੇ ये देखने वालों की मोहब्बत है उनकी मोहब्बत में शुरू हुआ लेकिन मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई तुमने यूट्यूब पर अपना शो शुरू कर लिया जी 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 शुक्र है बड़ी मुबारक हो आप बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया देखो भाई मेरी बात सुनो जी तुम एक सियाने आदमी हो हाँ जी देखो आजकल लोग टीवी नहीं देख रहे क्यों मोबाइल पे देखते हैं सब कुछ हर चीज देखो नए दौर के साथ चले हो मैं कहता हूँ तुम्हें बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह देखो ऑडियंस आपका इंतजार कर रही थी जी तो वो रेम्बो कब आ रहे हैं शो कब आ रहे मैं देख रहा था मैंने देखी है कमेंट्स अच्छा 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 माशाल्लाह लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप लोग शो शुरू कर ही दोगे अच्छा देखें लेकिन देखिए आपने कर दिया अच्छा माशाल्लाह तो भाई मैं आपका शुक्रिया आप कॉलेज में पढ़ते हुए भी आप यूट्यूब पे चैनल पे देखते रहते हैं पढ़ता कम हूँ सिर्फ यूट्यूब चैनल ही देखता हूँ अच्छा अच्छा आपका क्या सोचा आपने क्या बनना है पढ़ने के बाद आपने अभी तो पढ़ रहा हूँ ना अच्छा स्टडीज पूरी होंगी फिर कुछ अभी नहीं ना अभी तो मैंने सोचा ही कुछ नहीं है अच्छा माशाल्लाह अभी तो एंजॉय करने के लिए भाई तो आपके वालदैन क्या करते हैं मेरे पापा जी जी डैड इनकम टैक्स में होते हैं
नहीं मुझे तो वकील बताया गया था। अच्छा उन्होंने वकील बताया? हाँ जी। तो फिर वकील कर ले। यार वाह वाह। देखिए भाई ये कितने काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ये देखा झूठ के सर पैर नहीं होता। ये आपने पूछे? नहीं नहीं मेरे मतलब ये कोई सहूलतकार पकड़े हैं आपने? नहीं नहीं ये आप बैठे मैं आपको बताता हूं। नहीं ये कौन है? चोर लग रहे हैं? नहीं नहीं चोर नहीं आप देख लें। देख रहे थे? देख लें। एक मिनट जरा। छोने छोने चेला तो दिखाओ। हैं इन मना कर देखो मैं छेड़ रहे। आवाज मैंने कहीं सुनी है? ये जनाना आवाज आपने सुनी है? हां जी ये सुनी सुनी आवाज लगती है। ये जमहूरियत दी आवाज है। ये आवाज भी मैंने सुनी है। तो आप देखें कौन है? कौन है? जरा एक ए ए चोरी का केस है ओदे वास्ते मैं आया। मैं इहदा केस लड़ रहा। आप कोई थाने में नहीं लगे पुलिस वाले नहीं बांड है आप। एडवोकेट एडवोकेट चुप। एडवोकेट एडवोकेट दस्या आपने मेरे साथ धोखा किया है? तेरा धक्का तो धोखा बेटे तेरा वीजा खा गए बेटा। किस लिए कर चोर है? उधर रिकॉर्डिंग हो रही कैमरे लगे हुए हैं। नहीं नहीं बेटे तो रूटीन च आम बंदे ने भी बेटा आप कुछ नहीं आप यहां पर कर क्या रहे हैं? यहां मैं बिठे कर रहा हूं। ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਦੇ ਸਫੈਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਇਹ ਕੂਚੀ ਅਸਲ ਜਨ ਐਸਲੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੂਚੀ ਆਹੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੱਕ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਚ ਦੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਕੀ ਕਹਾ ਥਾ ਆਪਨੇ ਚਾਚਾ ਕੋ? चचा को मरी कूची। मरी कूची मैंने कहा था ना कि असलियत जो है वो बातों में और हरकतों में नजर आ जाती है। मैंने कोई जुगत नहीं किया। आई डोंट लाइक जुगत। अच्छा तो ये आपने क्या किया है? यानी कि मैं की करो कि जनाजे दा फुल हुंदा। अच्छा मैनू की लोड़ है? मैं कमा नहीं नहीं मैनू की लोड़ है? आपका तो इनसे रिश्ता ही नहीं। यानी होती कौन चाचा? आई हेट यू एंड चाचा। अब भैया बेटा उठे बड़ा धोती प्लेटर का मुंह है तेरा। एक मिनट आप तशरीफ रखिए। मैं इधर बैठूंगा आप बैठे। मेरी कॉलेज की दोस्त मेरे साथ है। अच्छा। आपको तो मोहल्ले में मुंह को नहीं लगाता। आप इनको बुलाएं अपने दोस्त को बुलाएं। यार इनके सामने मैं क्या इंट्रोडक्शन दूंगा यार? आप बुलाएं। मैं हूं ना मैं हूं। मैं अपनी जुबान से नहीं बुलाऊंगा। उसका नाम पिंकी। आप खुद पिंकी। मैं बुलाता हूं जी। अच्छा वो चिट्टा कत्ल हो गया? चाय नहीं आया अभी तक। चिट्टा चाय वाला कत्ल हो गया। अच्छा वो समझे कत्ल ही हो गया। रैम्बो साहब जी जब तक आप इन लोगों को चाय नहीं ना डालेंगे। हाँ। ये पिलाएंगे खुद पिलाएंगे। चाय पिलाऊंगा डालूंगा नहीं। जानना ही होता है। जानवर है। आपने इनको क्या भैंस समझा हुआ है? ये जो इधर आपके वालिद साहब है आप समझते हैं ये भैंस है? नहीं मैं समझता हूँ ये संडा है। ये संडे पता होना मां ने दस होना। अच्छा जी क्या क्या नाम बताया आपने अपनी फ्रेंड का? पिंकी। पिंकी तो आपकी भरपूर तारियों में तशरीफ लाती हैं इनकी दोस्त फ्रेंड पिंकी। जी, एक मिनट ये बेबी प्यार से कहती है। अच्छा प्यार से बेबी। मैं समझा आपका बेटा है। हेलो How are you? I'm fine, I'm good. He's so sweet. Thank you so much. इस तरह साडे नाल भी कर ला असीं यहूदी लभ ही दे आ। अच्छा जदों मेरी जादी हुई है। हाँ जी सख्त सर्दी सी तैनूं तो याद है। हाँ जी हाँ जी एक एक रजाई च छे छे बड़े सी। ठंड बहुत सी ना। अच्छा ये तू रिवाज नहीं बगैरती दस रहे हैं जी। कम हियर आई टेल यू समथिंग। क्या जी इन्होंने जो हमारे लिए खाना रखा है हम वो नहीं खाएंगे। अच्छा इन्होंने दस उन्होंने कख नहीं रखे है यार। कितने उधर जेब छो भी उन्होंने कुछ रखे है। उन्होंने तो ये भी कख नहीं रखे है। ये कख नहीं रखे है यार। ये दोनों इतने चाह नहीं पाऊंगा ये ठीपे जोड़ना तू की है। रेमो ये दोनों उस देग के अंदर मुंह डालकर खाना खा रहे थे। ये उस देग ओए आपने देग गंदी कर दी। उस देग नु छड़ ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਹ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਤੇਰੇ ਮਤ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਇਨਕੋ ਚੁਗਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਸੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਪਾ ਸ਼ਟ ਅਪ। ਓਕੇ
चले आप बैठे, आप तशरीफ रखे। पापा से मुराद ये नहीं कि पापा मोटा। ये कौन है? ये मेरे गेस्ट हैं, आप भी मेरे गेस्ट हैं। इन उधर कर दो, इन इधर कर दो, ये उधर इधर कर दो। मैं तो उत्तर जाना आगे, उत्तर ही जाना। बस सवार आपने हमारे हमें बुलाया है तो फिर ऐसे गेस्ट ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आप बैठे तो सही ना, तशरीफ रखे। पिंकी क्या बात है जी, आइए। बाल खुले छड़े हैं, तमाल पा के आई है। किसी किस्म की बदतमीजी मत करना इसके साथ। नहीं कर दे मेरे काका, नहीं कर दे। भाई जा मेरा पुत्र तो थे जो चैनल का मंगल होता ना, तो एनक लाई टर्मिनेटर थू बने हैं। तमीज भी होती है जी जी। हाउ आर यू? आई एम फाइन, बिहेव योरसेल्फ। मुझे नहीं पता था कि आज आप बांडो वगैरह पे शो कर रहे हैं। ये लोग शादियों ब्याहों पे ना जाके उधर हाथ पे ये छोटा वाला जो है, ये जो पतला सा ये चमोटा मारता है, और ये मोटा वाला फिर झुकते करते हैं। फिर हम क्या बच्चों की फीस लेके आते हैं कॉलेज के। कैसे कैसे? तेरे सिर नु सजाया लाके फूल कलियां। हा हा हा, क्या बात है। ऐसे कहते हैं अल्लाह मेरा ख्याल। अच्छा जी, किस बात की खुशी है आपको? मुझे किसी बात की खुशी, हा 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 क्यों हो रही है? अच्छा। नहीं ऐसे किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो आपने ऐसे किया, मैं क्या तुम्हें नहीं ना पता इधर कौन सी चवलें इकट्ठी हुई हुई हैं। ओ काका जी जी, कोई रोटी पानी कोई चाह है नहीं? हाँ जी। वो दसां दे माई कोलो दाने फड़ दे सानू। दाने अभी पक रहे हैं। हाँ। जैसे ही पकते हैं मैं आपको दाने मंगवा देता हूँ। अच्छा यार, चाय जल्दी लेके आओ, आ रही है चाय। अच्छा तेरी मनदा मनदा कोई नहीं है, सिर्फ तो हमें कहने जल्दी लेके आओ। वो चिट्टा पता नहीं कोठे तो डिग पिया। अच्छा मेरे लिए और पिंकी के लिए ब्लैक कॉफी कह दो। ब्लैक कॉफी? तुसी भी ब्लैक कॉफी पींदे? हां जी। अल्लाह तेरी खैर। क्या मतलब हम क्यों नहीं पी सकते? तू क्यों नहीं पी सकते? प्यो तेरा एडवोकेट है, पी सकते तू। पिंकी ये आपके फ्रेंड है जी, आप इकट्ठे पढ़ते हैं? यस। अच्छा इन्होंने आपको क्या बताया, ये इनके पेरेंट्स क्या करते हैं? इनकम टैक्स में है, बताओ पिंकी। हाँ जी। इनकम टैक्स? हाँ। नहीं नहीं, लॉयर है। लॉयर है? तुम भूल गए हो क्या? नहीं नहीं, इनकम टैक्स की कीमत है। इनकम टैक्स बेटे, इनकम टैक्स है। हाँ जी हाँ जी, कलेक्शन करी। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स जी साड़ी है नहीं। हाँ जी, उधर ना मोरा लाई नहीं होते। ये क्या ये चमोटे लेके फिर रहे हैं? इन बेटे की कहते हैं चमोटा? नहीं नहीं देखो, वो छड़वा मारता है मुझे। छड़वा? अच्छा काकी, तू शुरू तो इदा दी। क्या मतलब इदा दी? नहीं है, अच्छी ब्यूटीफुल लड़की है पिंकी, है दा प्यारी है। तोबा, जो नाकली फटकड़ी हुंदी ना मेरे। तू वैसे रेमो जी, जोड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। दे 3500। ये 3500 वाली जोड़ी नहीं कह रहा, मियां बीवी कैसे लग रहे हैं? अच्छा दूसरी जोड़ी? दूसरी जोड़ी मैं और पिंकी ने इकट्ठे जिंदगी गुजारने का फैसला कर। अच्छी गल है, दोनों बहनों की अच्छी गुजरेगी। अच्छा अभी एजुकेशन आपने मुकम्मल की नहीं और इकट्ठी जिंदगी गुजारने का सोच ये फैसले पहले करने चाहिए। ये फैसले पहले करने चाहिए। मोहब्बत हो गई, 4 साल हो गए। अच्छा 4 साल हो गए, मोहब्बत हो गई है। सोचा नहीं है कि बड़े होके फारिग होके करना क्या है? वो बाद में देखी जाएगी ना। अच्छा रैम्बो बेटा, 4 साल हो गए। सिर्फ आए गए मेहमान नु कुछ नहीं दिंदा या इन भी कुछ पाना? नहीं ये तो मेरा जनाब बड़ा लाडला है। ये शिकरा तेरा, शिकरा है। ये परसों भी गाला गुणा काट के उठ गया ही ना। इनू कहो कि तू रोटी चक ले आवे किसी दी। देखिए रैम्बो, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की एक ही डिमांड थी। क्या? कि मेरा जो ससुराल होगा वो बहुत अमीर होगा और वो बहुत पढ़े लिखे होंगे। क्यों नहीं, और क्यों नहीं? बहुत अच्छा बिजनेस करते होंगे। और मेरी दुआ है, मेरी दुआ है तू जिथे ब्याही जाएगी, जे तू कभी उधर पुराना नोट देख ले, मैं साडा नाम बदला दे। और रोज सवेरे उठते कड़क दे नोट। थैंक यू। और खाने जे रोज चिकन विच बोटियां नाल चावल लगे। अल्लाह जानदा डेली हर दुपट्टे च फला दी खुशबू ना, साडा नाम बदला दे। ये मैं कहना किचन च जाएंगी अद्धे अद्धे नान तेनु, बल्कि चार चार टुकड़े मिलणगे। क्या बदतमीजी है हर वेले। हाँ जी नहीं, बता रहे हैं कि इतने अमीर घर में शादी होगी। अमीर का। थैंक यू सो मच अंकल, साडियां दुआवां। जिस तरह वो बता रहे हैं ना, मुझे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा मुझे लग रहा है जैसे मैं खा रहा हूँ।
वो वाले नाल मुझे ऐसा लग रहा है जो शादी अल्लाह ने इतना देना कि सवेरे तन तीन तीन चार चार घंटे लग जाने नोट सीधे कर दे। हाँ जी यानी इतने अमीर घर बैंक से तो नोट सीधे ही आते हैं उसको। अच्छा एक मिनट से भी सीधे आते हैं ऊपर से भी सीधे ही आते हैं। अब पैरों थले आके बट बुट पैरों के नीचे आके बट बुट पड़ जाते हैं। नाल होता ना जी ये ससुराल दे जी जी एक बंदा रखे ना उन्होंने वो इंजन करके जैसा करता ना फिर कट्ठे हो जाते हैं इन लोगों को भला सबसे उन्होंने पैसे जमा करने वाला बंदा भी रखा हुआ है बंदा वो कहते हैं चुकनाइजर अच्छा चुकनाइजर यानी आप बहुत बड़े खानदान में जाने वाली हैं आपको मैं मुबारक देना चाहूंगा। हां जी और इस खानदान के विच इसे बंदे का बैंक अकाउंट नहीं है। हाय हाय वाह अच्छा इतना पैसा है ब्लैक ब्लैक छुपाया हुआ ना ना थैले ची जमा कीता हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं लोग इन्हां दे घरां चो पैसा खुला लैण आंदे आ। ओहो हो हां जी हजार दा 900 दंदे हां जी सौ कटौती। अरे वाह वाह वाह। अच्छा मुझे ये बताएं आपके घर वाले क्या करते हैं आपके पापा क्या करते हैं। हमारा प्रॉपर्टी का काम है और हमारा कार्स का शोरूम है। वाह 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 मुबारक हो अल्लाह ने तेरे बड़े भाग तेन लाने हैं। कार ही होंगी अगे जी सजी नहीं होंगी अगे 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 साडा काम होंदा ओदे नाल नाल साडा कारोबार है। कई बार ओही सजी कार जी ना पैर तो लंघ जाती है। आपके होने वाले ससुराल का बिजनेस है। ससुराल उनका भी गाड़ियों का बिजनेस है। वो गाड़ियों के आगे पीछे होते हैं और ऊपर से ऐसे क्या करके मेरा मतलब है कि गाड़ियां रहती हैं उनके आगे ऊपर से। यार खुदा का खौफ करो यार मेरा रिश्ता टूट जाएगा। नहीं रिश्ता नहीं टूटेगा आपका। आज हम आपका रिश्ता पक्का करके जाएंगे। अच्छा ये जस्ट जोक कर रहे हैं आपने इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना। नहीं okay. तो नहीं लिया सानू सीरियस सारी जिंदगी। मैं क्यों लूंगा। अच्छा अच्छा एक मिनट आप इनको जानते हैं। दो तीन चार पिंकी पिंकी साल के बीच दो तीन महीने ऐसे होंगे कि तेरे ससुराल का कारोबार ठप हो जाता। अच्छा वो क्यों सफर मुहर्रम और रमजान शरीफ इस्लामी त्योहारों में बिल्कुल जड़ा ना तेरे ससुराल काम करता ही नहीं। और अच्छा वो नेक शरीफ भी है। हां हां सिर्फ सुबह निकलते हैं सहरी दे टाइम। हां जी उस बजम एंटरटेनमेंट बजम एंटरटेनमेंट होती ना सवेरे। यानी कि इनके इनका पिंकी कहने का मतलब ये है कि इतने अमीर ससुराल है आपका वो तीन महीने काम नहीं भी करते फिर भी उनके घर का सिस्टम। रमजान शरीफ दे विच तू सुती पई होएगी सवेरे उठेगी कई खाने। अच्छा आप क्या समझते हैं कि इनका ससुराल जो है ये इस अपना जावेद बाऊ जावेद बाऊ जावेद का ससुराल ये इतना अफोर्ड कर लेगा। नहीं इतना तो अफोर्ड नहीं करता क्योंकि बाहर ससुराल होंगे जो अफोर्ड नहीं करते। हाँ जी अच्छा जी। हाँ जी नहीं कर सकते कत्तन नहीं क्योंकि साढ़े तो घर जो ना जी जो मेरी जादी हुई है। हाँ जी सख्त सर्दी सी तेन तो याद है। हाँ जी हाँ जी एक रजाई छे छे बड़े सी ठंड बहुत सी ना सर्दी। अच्छा ये तू रिवाज नहीं बगैरती दस रहे हैं जी। ये कौन लोग हैं कैसी बातें कर रहे हैं। बेबी बेबी तुम इतनी बातें उन्होंने की है तुम पकड़ भी सकी। ये दोनों भांड हैं मौला कुछ ये दो लोग हैं शादियों ब्याहों में जाकर मांगते हैं लोगों को चमोटे मारते हैं जुकते करते हैं कि हाँ मौला कुछ रखे पाग लगे रहें चूड़ियाँ सलामत है मैं हरा नोटी लेना है फिटे ये वो लोग हैं टेंशन नहीं लेनी आपने। हाँ, इनको भला सबसे बुरा बंदा कौन लगता कौन? है लंबे कद वाला यहाँ पर तो वो वेल देता है तो वो बंदा बुरा एक होर लगता है जेड़ा कहना नहीं तुरे चलो जो चार पैसे सानू हो जाते ना जी फिर सब तो अच्छा बंदा वो लगता जेड़ा कहना रोटी खुल गई है बहुत गाला करने हैं बराज जेड़ा उतो नहीं छोड़ता रोटी अच्छा। का इतना ख्याल करते हैं ये तो बच्चे ले जाते हैं ना उतो सारा दिन फिर के ना 600 के बिस्कुट खा जाते हैं 100 रुपए की रोटी नहीं खाते। मुझे माफ कर दो। बस बस कोई गल नहीं कोई नहीं एक मिनट उधर जी निकाह नहीं होया करन दे चल जी वो चवल हो गए ना तो तू ही हट जा तेनू नहीं पता चवल ने सारे आई लाइक हिम लाइक नहीं ठरको चोड़ रहे ने। अच्छा मुझे एक बात बताएं ये जो ऐसे फेंकते हैं उन पे गुस्सा क्यों आता है।
ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਨੋਟ ਉਧਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੀ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਇਨਕੋ ਬੁਲਾਏਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਨੇ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਇਨਕੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁੱਸ ਜਾ ਨੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਐਸਾ ਹਮ ਆਪ ਕੋ ਕੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਦੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਨੋਟ ਮੂੰਹ ਮੇ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ उस तरीके से मुझे देते हैं ये पिंकी जी ये इनका काम है ये अपना काम है इनके जद्दी पुश्ती ये काम है जब ये गांव में जब ये गांव की बारात में जाती है ना इनको अक्सर वहां से मार पड़ती है क्योंकि इनकी वजह से भैंसे डर जाती हैं लोग भाग जाते हैं बस की छत के ऊपर बैठ के जाते हैं अच्छा बेटे तेरे सारा पता कि एमए मरासियात कर रहे हैं नहीं एमए मरासियात मुझे जो आपकी बातों से पता चला अच्छा आपको इतनी बातें इनके बारे में कैसे पता है भांड है शक्लों से लग रहे हैं आपको शक्लों से नहीं आपको कैसे पता है भांड ये करते हैं वो देखे सामने उन्होंने इतना खूबसूरत चमोटा रखा हुआ है इतनी अच्छी बात ये देखे बेबी मैंने डिसाइड कर लिया हम अपनी शादी पे इनको जरूर बुलाएंगे हाँ जी क्यों क्यों बुलाएंगे आप नहीं भी बुलाएंगी ना ये आपकी शादी में ही होंगे अक्सर हसी शादियां जी होने हैं जी अच्छा थोड़े वालद दी गल मेरे नाल ही होनी है अच्छा जिन्हें जिन्हें कहना मैं चल निकाह तो बाद आई होंगे होंगे दिख रही हो तुम कैसी बदतमीजी कर रहे हैं आपने इनको हमारे साथ क्यों इनवाइट किया है इतने बदतमीज किस्म के लोग हैं पता ये लोग देर में मुंह डालकर खाना खा रहे थे मैं तेरे से स्याही छोड़ देती बदतमीज ये मैंने बदतमीजी तो नहीं की बदतमीज ये तो हंसने हंसाने वाले लोग हैं अरे कीती कोई नहीं तेरे नाल कौन कर सकता है बदतमीजी पिंकी के साथ बस कर फटे मुंह तेरा अच्छा अंकल आप लोग क्या करते हैं हमें करके दिखाएं ट्रंप दी नो हुंदी फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने इनको अपनी शादी पे बुलाना है कि नहीं नहीं एंटरटेन क्या करेंगे ये बाकी ना बुलाओ तू सानू शादी ते तू अपनी शादी ते सानू ओथे ना देखेंगे ते जुतियां मारी जब हम बुलाएंगे नहीं तो आप आएंगे क्यों ना बुलाना तू मैं कह रहा हूं ना ये इनको कार्ड कूड की जरूरत नहीं होती इनको सिर्फ देखो की आवाज आए पहुंच जाते हैं ये नहीं नहीं फिर तुम गार्डों को कह देना कि इनको इनको अंदर ना आने दे ये देखो में मुंह डाल के खाना नहीं ये अंदर नहीं आएंगे तो निकाह कैसे होगा आपको क्यों पूछेंगे अक्सर पूछते हैं रेमो साहब आप बताएं ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है तेरे होने भी नहीं समझ बड़ा तेरा दूध या छली अर्ग इंग्लिश फिर मैं तेरे अर्गी ना सौवीं मंजिल तो डिग दी है फिर उठ के टुर पी हॉरर फिल्म होती है हुंदी है इसलिए आपने बुलाया मैं जी जी बदतमीजी के लिए बुलाया बदतमीजी के लिए बुलाया बदतमीजी की तेरे ते चाप डोलती उन्हें तो मंगाई फिल्मों में इस तरह की वैसे बेबी लगती है शट अप इंग्लिश फिल्म में केक कटो ना साल गिरा था हां जी पहला केक ये जी कुड़ी दे मुंह ते बजदा डोंट वरी अबाउट इट बदतमीजी है वैसे ये बदतमीजी नहीं है ओके आई एम एंजॉयिंग अच्छा अगर आपको पता चले कि इनके वाले साहब इन्होंने क्या बताया था एडवोकेट हैं जी बहुत पढ़े लिखे हैं लॉयर हैं बिजनेसमैन अगर पता चले कि इन्होंने झूठ बोला है तो फिर आप क्या करेंगी मैंने कभी पिंकी के साथ झूठ नहीं बोला कम से कम बस ये कभी नहीं इधर वाले साहब लॉयर है जानू नहीं पता लाड़े दे प्यो ना कितनी बहस करनी पैंदी मैं इनको सीधी आंखों से देखना नहीं चाहता बस मैं आपसे एक सवाल पूछे उसका जवाब दे मरे इसको इस बात से मुझे लगता है कि शायद रिश्ता नहीं है आपका क्योंकि उनको तो गर्मी लग रही है आपको ठंड लग रही है इसको तो गर्मी तो लगनी है थले तीन स्वेटर गर्मी तेन असल च होती है क्या मतलब क्या जी को तो बहुत ठंड लगती है इनको बहुत ठंड लगती है बहुत ठंड लगती है क्यों और कह रहे थे हॉलीडेज पे ना हम ठंडे इलाके में नहीं जाएंगे कहाँ जाएंगे सिब्बी सिब्बी नहीं देखिए जहर जब ज्यादा सर्दी होगी तो मन ठंड तो लगती है ना इधर ब्लड ही चेक कर लो जो ज्यादा ठंड लग रही है थे। अच्छा मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर आपको पता चले कि इन्होंने झूठ बोला है इनका खानदान कोई और है इनके वालदैन कुछ और करते हैं तो आप क्या करेंगे मतलब आप ये समझे कि अगर आपको ये पता चले कि ये हमारा बेटा क्यों भाई क्यों चले नहीं आप क्या वैसे यार एग्जांपल गल की थी बाहर की एग्जांपल बाहर की एग्जांपल 10 मिनट नहीं साडा तो मुंडा फिर यार नहीं यार चले चले आप ये पापा आप ये समझ ले अगर मुझे ये पता चला कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला है जे तुम देखना मैं क्या जे आपने क्या कहा इनको
जे कहती हूँ। जे क्या मतलब? जावेद से जे। अच्छा जे जावेद थोड़ा पता नहीं ये पापा को क्या हो गया था, मेरा नाम जावेद, मैंने कहा हनी या नहीं उधर। अच्छा वैसे मैंने जे कहना शुरू किया ना, उन जो तो पता लगना ना, फिर उन्हें सही तरह ना लिया, जे तू जाहिल भी बनता। बड़ी मुश्किल नाल इहदी मां ने इहनूं पढ़ाया। अच्छा आपको कैसे पता है? हां मेरे बाप नाल मेरे बड़े पुराने तलकात है। आहो अच्छा, पापा तो ऐसे लोगों से मिलते नहीं है। पापा तो ऐसे लोगों से मिलते नहीं है। अच्छा हां पापा नहीं ना मिलते, पापा ने थोड़े लोग मिलते। मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं चल नहीं, नहीं आप जा नहीं सकते, आप थोड़ी थोड़ी देर रह गई, नहीं नहीं थोड़ी देर रुक जाए, बस हो गया रैम्बो की शो पे। नहीं नहीं होया काका जी, तुझे इसे दसना क्या दसना है, क्या दसना है, चलिए आप बता दें जो मैंने जिसके लिए बुलाया वो काम तो होगा। क्या वो काम तो होगा? क्या होगा? अच्छा आप समझे कि चलें, ये वालिद है इसके, अब आप शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं, दो रफेट। क्या मतलब दो रफेट? हाँ वो भी मरासन है, वाकई अब्बा जी का शोरूम है, है नहीं? ये दो रफेट से लगा कि अब्बा जी कितने शोरूम दे बेच गड़ियां मर देते नहीं मर्द। हाँ जी हाँ जी, मतलब बाउनट चुके हमने कुछ ऐसे कोड वर्ड्स रखे हुए, हमने हमने एक और भी रखा हुआ है मिटफे। हाँ यानी कि क्या मतलब है इसका? बताइए किसने मुझे सदी मरासन बताइए किसने सिखाया मुझे? जे ने सिखाया है। मेरे को फनी लगता है जब हमने कॉलेज में किसी को कुछ कहना होता है ना, उसको पता भी ना चले तो हम उसको मिटफे कहते हैं। मैं पहले पहले कह रहा था फिट बेटा, कुड़ी फिट में मिटफे मिटफे। अच्छा मैं हम चलते नहीं थोड़े वाले साथ बाकी शुरू। हाँ वालिद साहब इसके अलावा शोरूम और क्या करते हैं? इसके अलावा हमारा प्रॉपर्टी का है, इसके अलावा हमारी मिल्स हैं। मिल्स हैं कदनू मिल ओनू मिल सारे नू मिल नहीं नहीं है वाली हमारी मिल है फ्लोर मिल है। अच्छा आटे की मिल, आटे की मिल है, आटे की मिल, आटे की मिल तो बेचते तो नहीं होने? क्यों आटा तो अपने पूरा नहीं होता। हां जी हां जी, बेचना की टू मच है वैसे, टू मच है। हाय हाय हाय, अब तो कसर रह गई है, अब मुझे जाने। अच्छा तनिया तनिया गोश्त बेटे पसंद है तेनू? हां है तनिया गोश्त, लंबा लंबा अदरक पाया हो। अच्छा हाय हाय, नाल अदरक ते तनिए दी चटनी। हाय हाय मोहब्बत है। हाय बेबी मुझे भी खा ले। करेले गोश्त दा क्या पसंद? करेले गोश्त मेरा फेवरेट है। अमेजिंग अमेजिंग मार्वेलस टेस्टी, पसंद है ना? पसंद है, ओली ओली खुलेगी। गोभी गोश्त भी बेहतर खा लेनी है। गोभी गोश्त इतना ज्यादा लाइक नहीं करते। वाह क्या बात है, गोभी गोश्त नहीं किचनार कीमा अगर हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। बानजा साहब, हां जी, जो मैं सोच रहा हूं आप भी वही सोच रहे हैं। बच्ची टाड़ना यकीन कर ला। अच्छा मैं मुझे लगता है मुझे लगता है जो आपके बेटे ने उसके साथ झूठ बोला है ना, लड़की भी आपके बेटे के साथ झूठ बोल। हाँ जी हाँ जी, अपना क्या क्या कुछ नहीं, ऐसे एक बात कर रहे थे जी। पालक गोश्त नाल उबले चावल, सैंडविच होना चाहिए। मोहब्बत है, अरे नहीं, माश की दाल बिच मछली का गोश्त। हाय मछली, माश की दाल मछली का गोश्त, मछली मछली का गोश्त, लंबा अदरक, बस जीरा, हाँ हाँ काला जीरा, काला जीरा बड़ा महंगा होता है सुने। उसके बाद चोपड़ी रोटी, चोपड़ी रोटी, और रोटी दे उस सुन तो सही कूड़े। रोटी दे उत्ते पा के दाल, हाय हाय हाय, तो किसी फकीर नु दीती हो, किनिया दुआवा दे अगला, एडी मेहनत करके तो फकीर नु देनी सही है। बेबी यू नो आई एम सो फूडी। नहीं फूटी नहीं ना, वो आपको नहीं पता वो हमें कहां कहां से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब है कि वो समझा करो ना। लेकिन इतना खाना आपको, ये वाला खाना कैसे पसंद है? आपके घर में भी ऐसा खाना बनता है? बनता है घर में, बनता है। लो जी घर खाना बन रहा है ये वाला। फिर मामा उसके ऊपर ऐसी गरम मसाला हथेली में रगड़ के ऐसे करके फेंकती है। लो जी तेरे सिर में सजाया दादा फूल गलियां, तेरे तेरे नु
सजाया लाके फुल गलियां गाने सुना रहे हैं अभी बैठे हैं कुछ वेल शेल नहीं बेटे जिसरा नसीबां नाल ए गलियां तेरे नसीबां नाल ए गलियां तेरे जरे नु सजाया लाके फुल गलियां तेरे सिरे नु सजाया लाके हमारे तो जब भी ऐसे गाना गाते हैं ना तो ऐसे करके ना नोट निकाल के ऊपर से फेंकते हैं तुमने नोट ही निकाले नहीं मैम अच्छा अच्छा पूरी गल करना भी ऐसे फेंकते हैं तो फिर हम इकट्ठे करते हैं हाँ फिर कोई रखा हुआ है ना हमने ऊपर निकल लेते इसमें क्या हुआ जब नोट निकालेंगे तो कटी है ना कुड़ी जड़ी है साढ़े चौं है साढ़े चौं क्रेडिट कार्ड का जमाना है भाई अब एक मिनट मैं आपको असल बात बताऊं मुझे टाइम मैं बिचारा नहीं 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 मुझे अब बताना पड़ेगा जी मिस क्या नाम है आपका पिंकी पिंकी मिस पिंकी आपको असल बात का पता है कि ये कौन है और इनके वालिद क्या करते हैं छोड़ दो जाने दो नहीं नहीं जाने नहीं दो आप देखिए जो रिश्ता सच पे कायम होता है ना वो लंबी देर चलता है झूठ पे रिश्ते कायम ही नहीं रहते कुछ भी नहीं होता अच्छा, झूठे ते खुदा दी लानत हुंदी है बिल्कुल हुंदी है क्योंकि बहुत देर दा तू चाह दा कह चुका है हां अभी चाय नहीं आई चाय आ रही है आ रही है हां चिट्टा पौड़ियां जो डिग पे मुझे डाउट हो रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाह रहे जी मैं आपको ये बताना है मैंने आप लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है ये जो है ये आपके होने वाले सुसर हैं डन 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 बैंग भाई साहब ये मेरा भतीजा है ते एदा पोता जी जी पापा नहीं नहीं देखो मेरी बात सुनो मेरी बात नहीं मेरी बात देखो बेबी मेरी बात देखो मेरी बात सुनो डोंट टच मी तुमने मुझसे झूठ बोला कहां जा रही हैं मेरी बात तुम झूठे हो तुम मुझसे क्या रिश्ता निभाओगे तुम मुझसे मेरे साथ क्या रिश्ता बनाओगे तुम तो अपने सगे माँ बाप को नहीं मानते बेबी हमने इनसे क्या लेना देना हम तो इनकी तो मिलते भी नहीं इनसे लेकिन क्या ये तुम्हारे की है काकी पुत्र कपुत्र हो जाते ने मापे को मापे नहीं होते ये अगर सानू नहीं भी याद रखेगा तो यदि बल्दी चो मेरा नाम नहीं निकल सकता दुनिया के किसी भी खिते से चला जाए तू भी कोई ट्रैजिक हो प्यो प्यो ही तेरा कुत्ते दे पंजे वर्गा मुंह है देख रही हो देख रही हो नहीं करेगा तू भी ट्रैजिडी नाल कर फट रहा देख रही हो मुझे तुझसे बात नहीं करनी आई हेट यू ओए असी झूठे चावल खा के ते तेरीयां फीसां भरियां क्यों ओए असी लोकां को चिड़कां खा के तक्के खादे असी बराता च वो तो तुम्हें वैसे भी पड़ते हैं लोग की सड़े पार मेंत के नंग गए तेरी फीस भरी माफी मांग कुड़ी को तो तू उन्हें प्यो मनन तो इनकार कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आती नहीं सॉरी अंकल इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं अच्छा, नहीं, नहीं। लेकिन डोंट टच मी लेकिन इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा आप जाने दो सॉरी मुझसे गलती हो गई भाई खान साहब का बच्चा हो गया तो माफी भी नहीं मांगनी आती और प्यो कोई कुछ सीख ला तेरी मां दे रोज पैरी पिया होगा वो वड्डा जग सिर च मार दी फिर कहता सॉरी अच्छा दस कि माफी मंगी दी है देख रही ये सारा एदा अब्बा ही लेकिन पिंकी ये जो कुछ कल रात हुआ इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्या हुआ क्या रात को हुआ सीन नहीं आगे बताना माफी माफी मंगनी है माफी मांग के बताएं कैसे मांगते हैं काकी मैं अपनी इज्जत आता तेरे ना मिलता है मेरा छोटा भाई भी है, है जी? और मेरा कातल भी है जिस दिन मेरा मौत वाके हुई ना ऐसे खंजर नाल होनी है खंजर नहीं है ये खंजर चमोटा है ये हम कॉलेज में बुक्स मारते हैं बुक्स मारते हैं ओ पुत माफी इंज मंगी दी आप मेरे वाल देख किदा मंगनी है किसने कहना पिंकी हां अगर तू छोटियां छोटियां गल्लां तो इंज नाराज हुंदी रही
साफ करके बना जिसने कंध ते छिछड़ा मारता ना ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁੱਢੀ ਉਰੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁਗਤਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਬੁਕਸ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਸਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰੀ ਦੀ ਹੈ यार ये आपको किसने बताया ओ सानू सारा कोई पता कार बकारे सी फिरदे रहने हर वेले अच्छा हर कार जाते हैं हर कार जाईदा आप वहां भी जाते हैं हां जी तो ये आपको किसने बताया कि जी वो खर्चा मुझे देती हैं उन्होंने खुद दसया ओ जवाई नु देना वादा या घटदा कुछ एक मिनट मैं अभी अभी पूछ लेता हूं मैं पूछ ला तू अभी पूछ लेता हूं ये कोई मेरा फोन दे मैं तेरे नंबर दे मनीष दा अच्छा तुम्हारे पास कैसे आया पापा साडी भैन बनी हुई है हां जी हां जी मरो लख लान ते गलत गल तेरा दिमाग फिर गया बुक्स मार मार के ये मुझे क्या मनाएगा अच्छा। ये मुझसे इतना डरता है इसकी तो जरूरत नहीं है एक बार मैं खफा हो गई जी फिर ये मेरे पास हाँ। नहीं आया अच्छा नहीं आया खफा हो गई माफी नहीं मांगी अब हाँ। आप माफी मांगना सिखाएंगे मैं इसके पास गई हाँ। नहीं माफी तो मैं बच्चे नु दसो माफी किदा मांगनी माफी सीधे सीधे कहंदे ने यार अपना पिंकी मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ कर दो बस बस कोई गल नहीं कोई एक मिनट ओ चबल ओदे जे निकाह नहीं होया करन दे चल जी ओ चबल हो गया ने तो तू ही हट जा तेनु नहीं पता है चबल ने सारे आई लाइक हिम लाइक नहीं ठरको छोड़ रहे ने अच्छा गलत बात है ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता ए क्यों ए की किया ओ कोई तू इधर आ दे जस्टिन ट्रूडो ओ जिद्दा प्यो मंगदा पैरी पैजी दा हुंदा अच्छा अब मुझे ये बताएं जिद्दा मैं माफी मंगदा तेरी उदा पूरे महल्ले को मंगण दे हुन नहीं अच्छा मुझे ये बताएं आपके वालिद साहब क्या करते हैं सच्ची गल करनी पुत्र सच्ची मेरा पुत्र मेरे वालिद साहब का बैंड है बैंड बैंड इंटरनेशनल बैंड इंटरनेशनल हां जी ओ दूसरा की वजह जे अब तो झूठ बोलना बंद करो अच्छा मैंने भी तो सच सच को तस्लीम किया तुम भी करो बेटे दी की वजह है कि जेडे बैंड है थोड़े वाले साहब दा आज तक मेनू गल समझ नहीं आई कि थोड़े बैंड वाले साथी दा एक अद्दे दा नाली च पैर क्यों जड़ रहा इदी की वजह बेटा पित्तल वाला या दूसरा जेडे रिच जे पीछे पाए होंदे हो कौन सा बैंड ओ जेडे चेक दा आज आपको पता चला 1 2 टा 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 हाँ जी ये तो अब आपको पता चला झूठ आपने बोला है तो आपको भी झूठ ही मिला आपने अपने शो के चक्कर में हमें जलील करवाया जलील नहीं क्लांट भी जाते क्लांट नहीं मेरे मेरे वालिद साहब वो नहीं बजाते वो दुकान पे होते हैं उनकी लाट टूट गई है ना हाँ लंगड़ा के चलते हैं आजकल मैरिज हॉल भी तो उत्ते बनाए ना उन्होंने तो हो गया होना सिलेक्ट किया जा रहा वो नहीं दुश्मनदार बंदे हैं दुश्मनदार नहीं उन्हें जान से गोली बजी है ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸਲਿਪ ਉਹਦਾ ਬਿਨਾ ਨਾਲੀ ਮੇ ਪਾਉਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਓਏ ਹੋਏ ਕਾਟ ਕੇ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕੇ ਨਿਕਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਨਕਾ ਫੁੱਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ अच्छा जब आपको बाबूजी पता था कि इनके वाले साहब क्या करते हैं तो आपने अपना असली पेशा क्यों नहीं बताया पर आप लोग मुझे दाद नहीं दे रहे हो कि मैं कि गैरों में नहीं गया मैंने दाद केड़ी इतनी दे दी साले ठुमरी सुनाई तू सानू दाद दे दी तेने मैंने अपने जैसे लोगों में ही रिश्ता ढूंढा है मैं बताने ही वाला था नहीं कब बताने वाले थे झूठ बोला है मैंने साथ जांच पर जा रहा जांच बहुत अच्छे चलें जी आप और पढ़ लिख गया तो ठीक है नहीं तो सौरे नु रेड़ी ते पा के मंगी लत तो है नहीं ओदी घर की बात घर में ही रह गई घर की बात घर में नहीं रही रिश्ता जो है जब भी रिश्ता करना चाहे आप
सच बात बता के करें ताकि आने वाले वक्त में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ठीक है। घर का मरासी लंका ढाए। तू सानू चाह तो नहीं पियाई। अच्छा मैं के रैंबो। हाँ जी। काका शो तो हो रहा है खत्म। हाँ जी। अब कप असी घर ले जाके चेक करिए भी इहदे च चाह पैंदी कि नहीं। चाहे ब्रेक देखे नहीं हुई, अब ब्रेक होने वाली है। मैं ब्रेक तू केड़ी ट्रैक्टर दी ब्रेक ना सानू चाह देनी है। ब्रेक नहीं होती मेरे शो में, अब ब्रेक होगी ना। अब मैं आपको चाय के साथ खाना भी खिलाऊं। अंकल अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शादी के बाद मैं आपकी बहू होंगी ना, मैं आपको चाय पिलाऊंगी लाची वाली मलाई मार के। मलाई ये मुंह ते मारी चाह मेनू पिया दी। डैडी चाचा इधर आ जा। हां जी हां जी इधर आ जा। हां जी पुत्र इधर किथे। अच्छा मैं कह पता नहीं कि चाचा कहंदा इथे आ जा। सौरव कौन आपका? आप हैं? ओहो लत टूटे वाले पियो नु सहारा देनी मैं नहीं दंदी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, हमारे लिए दुआएं कीजिएगा, आप हमारे लिए गाना गाइए। रैंबो तू मेरे बच्चे की शादी ते आना। जी बिल्कुल आवा। मेहंदी वाले दिन तू नचना, क्योंकि असि खुसरे नहीं बुला रहे। मैं बस और आप गाना गाएंगे, हम यहाँ से ऐसे पैदल चलते चलते रुखसत होंगे। जरा गाना गाएं, गाना गाएं। गाना गाइए जी। सिरे वालिया मान जवानिया, सिरे वालिया तेरे सिरे तो मैं वारिया वे सिरे वाले तो जी। जहाँ रिश्ता करना हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच करके सच बात बता के रिश्ता करना चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में आप किसी भी प्रॉब्लम किसी भी मुसीबत से बच सकें। सच बोलना चाहिए और अपनी ज़ात और अपना काम को कभी छुपा के नहीं रखना चाहिए। आज का शो आपको कैसा लगा मैसेज करके कमेंट्स करके बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और बेल जब भी नज़र आए मेरे चैनल के ऊपर आपने उसको यूं करके दबा देना है ताकि हर आने वाली वीडियो हर आने वाला शो आप सबसे पहले देखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अल्लाह हाफिज, रब रखा। साडा चिड़िया दा चंबा असाय उठ जाना, जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। हाँ खुश रहेंगे हम।